सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने देखा था किस तरीके से जो 1857 की क्रांति थी, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सी घटनाएं हुई और उसका क्या परिणाम हुआ, पूरा आप लोगों ने क्लियर देखा। इसके अलावा समाज सुधार आंदोलनों के विषय में आपने देखा, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। दोस्तों, अब यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम देखेंगे। तो 19वीं शताब्दी के 6वें दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीति कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम को जाता है। ए ओ ह्यूम ने 1883 से ही भारत के प्रमुख नेताओं में से एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया था और इसकी अंतिम परिणति जो है वो 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में, यानी कि जिसको मुंबई को आज हम इसको मुंबई नाम से जानते हैं, पहले क्या था ये बंबई था, तो बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई। ए ओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। तो अगर देखा जाए एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 आप जरूर याद रखिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 72 लोगों ने भाग लिया था टोटल। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है देश की आजादी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो हमने देखा था 1857 की क्रांति, उसमें लोग क्या कर रहे थे, लोगों के अलग अलग रीजन थे। कोई किसी के पुत्र नहीं था तो वह अपना राज्य अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, किसी की पेंशन बंद कर दी गई थी, किसी को जबरदस्ती जो कारतूस है उनका प्रयोग करने से पहले जो फैक्ट्रियां होती थी जहां पर वो बनते थे वहां पर उनको मुख से क्या करना पड़ता था दोस्तों, नोचना पड़ता था हम कह सकते हैं। और इसकी वजह से ही बहुत सारे जो हमारे देश के लोग थे, चाहे वो एक तरीके से देशभक्त भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक चिंगारी जगाई थी। चाहे वो मंगल पांडे हो, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसमें दोस्तों कारतूस में ये था कि गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, इस वजह से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे उन्होंने भी मना कर दिया इसको करने से, कारतूस वाले काम को, और जो हिंदू भाई बहन थे उन्होंने भी मना कर दिया था। तो इस वजह से भी अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा मन में एक तरीके से बहुत ज्यादा विद्रोह उत्पन्न हो गया था। तो सबके अलग अलग रीजन थे, लेकिन अब यहाँ पर जो आप राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हो, इसमें सबका एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश को हमको अंग्रेजों से आजाद करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले है बंग भंग आंदोलन। अब इसमें क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात तथा अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयासों से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था, जहां से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 में की। उसका प्रमुख उद्देश्य बांटो और राज करो की नीति को लागू करना था, इसीलिए उसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। बंगाल का विभाजन पश्चिम एवं पूर्वी बंगाल दो प्रांतों में किया गया। वे समझ रहे थे कि सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर बांटो और राज करो की नीति को अपना रही है, और हमेशा यही किया अंग्रेजों ने दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति। आप सोचिए जो बंगाल है एक तरीके से, ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से एनालिसिस करें तो अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का उद्देश्य क्या था उनका, बांटने का उद्देश्य आखिर में मन में उनके आया क्योंकि बंगाल को हम दो भागों में बांट दें, क्योंकि जो बंगाल थे, बिहार थे, इन राज्यों में बहुत ही तेजी से देश की आजादी के लिए लोगों की आवाज उठ रही थी, और लोगों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया
कि अगर हम अलग अलग कर देंगे, इनको अलग अलग बांट देंगे, तो कहीं ना कहीं जो धर्मों के लोग हैं वो अलग अलग बट जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आसानी से हम क्या कर पाएंगे, राज कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हमेशा से ही एक तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया और उसमें अपना फायदा ढूंढा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रोलेट एक्ट, ये तो बहुत बहुत ही बेकार एक्ट था। अभी इसके विषय में आप पढ़ोगे तो आपको भी बहुत कष्ट होगा कि किस तरीके से हमारे देश के जितने भी देशभक्त हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया इस देश को आजाद करवाने में अंग्रेजों से। तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी, और कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाए गए। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून नाम से जाना गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को सैतानी लोगों की संज्ञा दी। अब ये क्यों खराब था रॉलेट एक्ट, अब यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना बेकार क्यों था और अंग्रेजों की चाल क्या थी इसको लाने के पीछे। तो यहाँ पर आप देखिए रॉलेट एक्ट को लागू करना, तो भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से विरोध करने के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक लागू कर दिया गया, यानी कि जो हमारे देश के देशभक्त थे सभी लोगों ने आगे आकर के इसका विरोध किया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने विरोध किया कि ये बहुत ही बेकार कानून है और इसको अंग्रेज सरकार वापस ले। लेकिन सरकार ने फिर भी क्या किया, इस विधेयक को लागू कर दिया, और इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकते थे। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी, यानी कि किसी भी इंसान को सड़क से उठा करके वो लोग सीधे लॉकअप में डाल सकते थे, यानी कि सीधे जेल में डाल सकते थे, और उसके बाद उनके साथ वो जो चाहे वो कर सकते थे, उनको मार पीट सकते थे, उनके साथ किसी भी तरीके से उनका शोषण कर सकते थे, और कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनको मार पीट कर उनसे जो भी वो बुलवाना चाहे वो उनसे बुलवा भी सकते थे। तो इस तरीके से ये कानून आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा एक तरीके से इसीलिए इसको कितना ज्यादा बेकार था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का वाला भी कानून कहा गया है। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के ही आपको सीधे कोई भी अंग्रेज का कोई भी जो जवान है यानी कि जो सिपाही है वो सीधे आपको पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर देगा और आपके साथ जो भी सुलूक करना चाहे वो करेगा। इसके साथ ही काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो इसको हम काला कानून या काला अधिनियम भी कहते हैं, आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहते हैं, और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे देश के देशभक्त रहे हैं शहीद भगत सिंह, उन्होंने किस तरीके से यहाँ के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सीसी ली और उसमें वहां की मिट्टी उन्होंने भरी और उस मिट्टी से तिलक लगाया और वहां पर उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अंग्रेजों का छक्का छुड़ा करके रहूंगा और अंग्रेजों को इसकी सजा दे करके रहूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, किस तरीके से अंग्रेजों ने कितने सारे निर्मम बेगुनाहों का, चाहे वो आदमी रहे हो, चाहे बच्चे रहे हो, चाहे औरतें रहे हो, सभी को उन्होंने गोलियों से भून डाला था। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये बहुत बहुत हमारे देश के आजादी के इतिहास में ये जो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सन भी याद रखना है, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है, और अमृतसर में उस दिन यह मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे।
रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा भी हो रही थी वहां पर, जो ये काला कानून बना था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला, इसकी यहाँ पर इसके विरोध के लिए वहां पर एक सभा भी हो रही थी, ठीक है। और जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। किसने चलवाया था? जनरल डायर ने चलवाया था, ठीक है। और जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। दोस्तों ये कागजी रिकॉर्ड है, ये सरकारी रिकॉर्ड है, और वो भी अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों की सरकार थी, उनके हिसाब से यहाँ पर केवल 1000 व्यक्ति मारे गए थे और 2000 लोग घायल होते, जबकि अगर देखी जाए तो ये कई हजार में ये संख्या थी मरने वालों की, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए किस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों ने हर तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी भीड़ पर, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, और 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा आंदोलन आप लोगों ने देखा आज। यहाँ पर रोलेट एक्ट के विषय में आपने पढ़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के इतिहास में, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, इसका डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, यानी कि अगले क्लास में देखेंगे खिलाफत आंदोलन के विषय में, और भी जो आंदोलन चले थे देश की आजादी से पहले उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमें पूछते रहिए दोस्तों। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की PDF, सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट करिए, और आपके लिए रेगुलर वीडियोज हम लेकर के आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। 77055 45 49 इस नंबर पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, अगर आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा, कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।